सो वाई यूनिट ट्रेनिंग, यहां पर हम लोग थे वाई क्लासरूम ट्रेनिंग, यस यहां पर लोग हम लोग थे वाई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग प्रोबेबली लर्निंग पिरामिड तक हम लोग पहुंचे थे। तो अगर आप कोई भी चीज सिर्फ सुनते हो, राइट, इफ यू ओनली हियर एनीथिंग यू ओनली लर्न 5% ऑफ द थिंग्स, राइट। अगर वही चीज अगर आप पढ़ते हो तो वो इंक्रीज हो जाता है 10%, अगर ऑडियो विजुअल है तो वो हो जाता है 20%, डेमोन्स्ट्रेशन से जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 30% हो जाता है, डिस्कशन से कोई भी चीज का। हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो भी चीज हमने यहाँ पर सीखी है या मैंने आपको जो एक्सप्लेन की है वो चीज हम एक के बाद एक मैं सबको पूछता हूँ। जैसे कि इनसे स्टार्ट किया कि भी आपको क्यों लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्यों अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर मुझे फ्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और लोकल मेरा बिजनेस है तो व्हाट आर द ऑप्शंस। तो ये जो चीज है ये फास्ट फॉरवर्डिंग है, हम उसको फास्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी डू द फास्ट फॉरवर्डिंग ताकि सब लोग, इससे दो फायदा होता है, एक तो पूरा लेक्चर रिकैप हो जाता है और दूसरा कि सब लोग अटेंशन में रहते हैं। आप लोग वारो आवश्यक तो आप लोग जवाब नहीं आप ही सकते जो बराबर सांभरे नहीं होंगे, राइट। सो दीज आर द रीजन कि हम लोग फास्ट रिकैप करते हैं डिस्कशन ग्रुप। और कई सारी ऐसी भी चीजें निकलती है कि जो लेक्चर में डिस्कस नहीं किए लेकिन वो क्वेश्चन पूछने से हमें मिलती है नई जानकारी, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमारा कंट्रोल यहाँ तक है डिस्कशन ग्रुप तक, प्रैक्टिकल बाय डूइंग से आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, उस पर इन्फ्लुएंस करने के लिए जो यहाँ पर हम लोग सिखाते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर उसकी हम लोग प्रैक्टिकल आपको दो एक्सरसाइज देते हैं जो आपको आपकी वेबसाइट पर करनी है। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो वी प्रोवाइड यू टू वेबसाइट, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है और एक सर्विस की वेबसाइट है जिस पर आपको काम करना है। जैसे कि हमारे पास 25 क्लाइंट है तो उसमें से 2 क्लाइंट का काम हम आपको दे देते हैं, राइट, प्रैक्टिकली करने के लिए। सबका एक्सेस नहीं होता आपके पास लेकिन आप कर सकते हो उस पर काम, राइट। और अगर वो चीज आपने प्रैक्टिकल जो डिस्कस किया है, एक्सरसाइज सबमिट की है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर नहीं आए तो ₹50 फाइन, राइट। और हमारा यहाँ पास रिकॉर्ड है कि 2 बार लोग नॉर्मली ₹100 तक देते हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं देते, यानी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग द एक्सरसाइज, राइट। और उसका वही पर्पस है और वो उससे हम पिज्जा पार्टी करते हैं लास्ट में जब ये कोर्स खत्म हो जाता है तब, ताकि लोग एक्सरसाइज करें, द पर्पस इज दैट। उसके बाद लास्ट है टीचिंग अदर्स। आज आपने जो सीखा है वो चीज अगर आपने मिनिमम 2 लोगों को 1 हफ्ते में बताया कि तुझे पता है कि गूगल लोकल होता है, तुझे पता है अगर B2B में करना है तो लिंक्डइन इज द राइट प्लेटफॉर्म, तुझे पता है कि B2C में करना है तो इंस्टाग्राम इज द राइट प्लेटफॉर्म और फेसबुक इज द राइट प्लेटफॉर्म, ये जो चीजें आपने सीखी है आज, जो आप में वैल्यू एडिशन हुई है, वो चीज अगर आप 2 लोगों को बताओगे योर नॉलेज विल, जो चीज आपके दिमाग में है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और लंबे समय तक आपको वो दिमाग में रहेगी, करेक्ट। मैं ट्रेनिंग देता हूँ उसका एक रीजन ये भी है कि सारी चीजों के साथ मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, राइट, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो सबसे पहले वो चीज मेरी क्लियर होती है, राइट, करेक्ट। तो ये सारे रीजन है और ये हमारी मेथोडोलॉजी है सिखाने की। उसके बाद है कि हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, कुछ भी यहाँ पर थियरी नहीं होगा, 0% थियरी, 100% प्रैक्टिकल, राइट। हम लोग एक वेबसाइट को ले लेंगे, उसका सपोज SEO है तो कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, पेज ऑन पेज है, लिंक बिल्डिंग है, साइट ऑन पेज है, पेज लोडिंग टाइम है, कुछ भी है, राइट, एनीथिंग विच आर द पार्ट ऑफ द SEO, वो सारी चीज यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और लास्ट है कि हम आपको हर एक लेक्चर का वीडियो देते हैं, जैसे मैंने यही जो डेस्कटॉप को कैप्चर किया है उसी तरीके से हर एक लेक्चर का डेस्कटॉप का मैं कैप्चर करता हूँ
और आपको प्राइवेटली लाइफ टाइम यूट्यूब पर उसका एक्सेस होगा आपके ईमेल आईडी पर। उसका फायदा ये होता है कि 2 या 3 महीने के बाद वो एक्टिविटी आपको करना स्टार्ट किया आपने, या प्रैक्टिकली कुछ जगह पर ऑब्स्टेकल आया आपको, तो वो वीडियो देखकर उसको आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। आसानी से कोई भी चीज अगर हमें ढूंढना है कि भाई ये चीज को कैसे करना है, कई कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल को कैसे ओपन करना है या मोबाइल में ये चीज कैसे करनी है, तो वीडियो देखते हैं तो तुरंत ही पता लग जाता है। वही चीज ये ट्रेनिंग में होगी। हर एक लेक्चर का आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, राइट? आज के लेक्चर का भी आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, करेक्ट? और तीसरी, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हर एक चीज की मैंने प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट बनाई, सॉरी हर एक चीज की मैंने टॉपिक की स्प्रेडशीट बनाई है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं। इससे आपको एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि ये चीज करनी है तो पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो इससे, और ये जो स्प्रेडशीट है उसकी ऐप है, वो ऐप आप आपके मोबाइल में रख सकते हो। तो कोई भी लोकेशन पर अगर आप ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हो या बस में कर रहे हो, अगर वो लेक्चर आपको फिर से पढ़ना है या फिर से रिकैप करना है, वो स्प्रेडशीट को ओपन करो या ये वो यूट्यूब के वीडियो को ओपन करो, यू कैन रिवाइज दैट लेक्चर एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, राइट? इन फ्यूचर लाइफ टाइम। ओके, यस, दिस इज माई सेल्फ। ऑफकोर्स मैं गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स सर्टिफाइड हूँ और शाउट एंड आई कंपनी मैं का ओनर हूँ। मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट कंपनी अलग मलग सीजी रोड पर है, उसमें मैंने 7 साल काम किया है। कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस, तो ये कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेते हो। जो बैच है वो 10th of June को स्टार्ट होने वाली है, राइट? 10th of June को अप्रोक्सीमेटली, और उसकी फीस है 19,000 रुपीज, और आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 3 इंस्टॉलमेंट में एक्चुअली। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, राइट? उसके 1,000 वो रिफंडेबल है, वो मेक श्योर करने के लिए कि आपको वो ट्रेनिंग सही में करनी है कि नहीं करनी है। उसके बाद 2 लेक्चर के बाद 9,000 और 1 महीने के बाद 9,000, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू पे, करेक्ट? एसईओ, अगर आपको सिर्फ एसईओ सीखना है तो दैट विल टेक्स 1 मंथ एंड यू हैव टू पे ओनली 10,000 इन 1 इंस्टॉलमेंट। अगर आपको सिर्फ पीपीसी सीखना है यानी गूगल एडवर्ड सीखना है तो दैट विल टेक 2 वीक्स एंड यू हैव टू पे 8,000 INR। एंड अगर आपको गूगल एनालिटिक्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है तो इट विल कॉस्ट यू 7,000 INR एंड इट विल टेक्स 2 to 3 वीक्स, नॉट मोर देन दैट। नहीं, गूगल एनालिटिक्स इज अ डिफरेंट देन एसईओ, होता है, होता है, तो वो आपको अलग से सीखना पड़ेगा। वेब मास्टर टूल इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिक्स, एसईओ में नहीं आता। उसके बाद है कि आपने बता अहमदाबादी छे मोटा भागना, तो આપણે પહેલો એક પ્રશ્ન આવે કે ભાઈ હું આટલા પૈસા તો ભરીશ અથવા તો ભરું છું પણ મને રિટર્ન શું મળશે, વોટ ઇઝ ધ રિટર્ન આઈ કેન એક્સપેક્ટ, રાઈટ? સો અભી તક આપને પઢ્યા, યુ આર નોટ શ્યોર આપકો કિતના રિટર્ન મિલા, લેકિન યે ટ્રેનિંગ લેને કે બાદ આઈ ગેરંટી યુ, ઓર યે કેસ સ્ટડી હૈ, જય શુક્લા કરકે એક બંદા થા જિસને યહાં પર 2017 મેં ટ્રેનિંગ લી થી, ઓર ઉસને, ઓર ઉસકે પાસ નયન પટેલ કરકે એક બંદા થા જિસને ટ્રેનિંગ નહીં લી થી, राइट? ही वुड लाइक टू, वो ऐसा था कि भाई मैं कर लूंगा। उसको 6,000 रुपीज से उसकी सैलरी स्टार्ट हुई थी और जय शुक्ला की 12,000 INR से स्टार्ट हुई थी, राइट? तो आप सिंपल कैलकुलेट करोगे मैथमेटिक्स से तो 72,000 का ईयरली डिफरेंस हुआ। 1 महीने का 6,000 मानी ईयरली 12 × 6,000, दैट इज 72,000। तो जय शुक्ला ने पहले ही साल में 42,000 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया जो ट्रेनिंग ली थी उसके हिसाब से। और उससे ज्यादा मैं इसको महत्व देता हूं कि उसने अपने 2 साल बचा लिए। क्यों? क्योंकि यही चीज अगर वो कंपनी में रहकर सीखता तो उसको 3 या 4 साल लग जाते। क्यों? क्योंकि कंपनी, जैसे मैंने शुरू में बताया, सिखाती नहीं है, राइट? करेक्ट? तो यही चीज अगर आप यहां पर प्रैक्टिकल ले लेते हो तो दैट विल सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम। और जो उससे दूसरा भी फायदा होता है, मैंने अपने करियर में जो सीखा है वो ट्रायल एंड एरर से सीखा है। ये चीज की नहीं चली तो इसको छोड़ दो, ये चीज की चली तो इसको रख दो। आपके पास वो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होगी कि ये करोगे तो चलने ही वाला। क्यों? क्योंकि जो चल रही है वही चीज मैंने अपने स्प्रेडशीट में, ट्रेनिंग मटेरियल में लिखी हुई है, राइट? सो दैट विल ऑल्सो सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम।
अगर आप अंकित पटेल करके एक बंदा था जिसने सिर्फ पीपीसी की ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर गूगल एड्स की ट्रेनिंग ली थी, तो 15,000 उसकी सैलरी थी और उसको तुरंत ही पीपीसी सीखने के बाद नई कंपनी में जॉब मिल गई और 20,000 रुपीज की उसकी सैलरी थी। ये सारी चीज 4 या 5 साल पहले की है जब से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो कुछ केस स्टडीज पूरा नहीं है, तो आपको हो सकता है कि जो सैलरी है वो कम नंबर लग सकती है, राइट। वही चीज अगर उसकी अभी सैलरी 50,000 है अंकित पटेल की, राइट, तो ये चीज है। तो 20,000 रुपीज उसकी सैलरी थी, सैलरी मिली उसको आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। तो समझ लो कि अगर उसने 7,000 रुपीज पे किए है तो पहले ही मंथ में या दूसरे ही मंथ में उसको तो आरओआई मिल गया, समझ रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितने उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे ज्यादा उसको सैलरी के तौर पर वापस मिल गए, सिंपल, राइट। बिजनेसमैन कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? तो अनिल एस्ट्रोलॉजर करके एक बंदा था जो एस्ट्रोलॉजी की सर्विस दे रहा था, राइट, एस्ट्रोलॉजी जहां पर ज्योतिष विद्या का ये है। सो ये उनकी वेबसाइट भी है, अनिल भारद्वाज करके उनका नाम है जिसने यहां से ट्रेनिंग ली थी। और जब उसने यहां पर ट्रेनिंग ली थी उससे पहले वो 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लीड जनरेट करता था, मैंने यहां पर लिखा है 10 लीड जनरेट करता था ऑर्गेनिक से। अगर किसी को ज्योतिष की एस्ट्रोलॉजी की सर्विस चाहिए तो दे कॉन्टेक्ट देम एंड दे टेक देयर सर्विस, फ्यू ऑफ देम। मैंने उनको 2 महीने की ट्रेनिंग में जब पीपीसी का लेक्चर हमारा आया तो मैंने उनको, उन्होंने गूगल एडवर्ड्स की कैंपेन बनाया, गूगल एडवर्ड्स में पेड कैंपेन, जिसमें अगर आप सर्च करते हो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया या बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन अहमदाबाद, उनकी एड आपको टॉप में मिलेगी। इससे 10 लीड से वो सीधा 100 लीड पर चले गए, सीधा 1 ही महीने विद द हेल्प ऑफ गूगल एडवर्ड्स पेड एडवर्टाइजमेंट से। और उनका कन्वर्जन रेट था 20%, यानी 10 लोग उनको कॉन्टेक्ट करते थे तो 2 लोग उनकी सर्विस लेकर जाते, तो 100 में कितने हुआ, 20 लोग, 2% के हिसाब, 20% के हिसाब से। एक लीड की उनकी एवरेज प्रॉफिट थी 3,000 रुपीज, यानी एक बंदा अगर उनसे सर्विस लेता था तो ऑन एन एवरेज उनको 3,000 रुपए का मुनाफा होता था। तो 20 लोगों का कितना हुआ, 20 × 3,000, वेरी सिंपल, 60,000, यानी 3 महीने में उनको, उनके वक्त ट्रेनिंग की फीस 30,000 थी, अभी 19,000 है। तो द पॉइंट इज कि पहले ही उनको ट्रेनिंग में ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, राइट। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी देते हैं और हमारे पास, जैसे मैंने बताया, 100+ स्ट्रेटजीज है जो मैंने यहां पर बनाई हुई है। ये आपका ट्रेनिंग मटेरियल है, ये स्प्रेडशीट है जिसकी ऐप होती है, जो आप ऐप डाउनलोड करके इसको सीख सकते हो। ये मेरी 15 साल की मेहनत है और इसको मैंने क्या किया है कि जो भी चीज डिजिटल मार्केटिंग में आती है उसको स्ट्रेटजी के तौर पर लिख दिया, राइट, कि भाई क्लाइंट का बिजनेस मॉडल क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस क्या है, कॉम्पिटिटर्स का नाम क्या है, और ये सारी चीज आपका फॉर्मेट लेकर जब आप डिजिटल मार्केटिंग की सीखोगे और करोगे तो आपको इसको डुप्लीकेट करके आपकी डिटेल को, आपके क्लाइंट की डिटेल को फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको कौन से वीक में आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो ये लिख लेना है कि वीक 1 में मुझे ये टास्क करना है, वीक 2 में ये, और कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी टीम में 3 या 4 बंदे हैं, यू कैन एड देयर नेम इन रिस्पॉन्सिबल। इससे फायदा क्या होता है, आपका जो काम है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाता हैफेजार्ड नहीं होता कि भाई छेलो वीक आयो और बधू काम बाकी है, जब आपने नॉर्मली भणवामां थतुं होय, राइट, कि हजू बधा पेपरो करवाना बाकी है और एग्जाम नो टाइम आई गयो, राइट। सो जहां से आपका जो पूरा काम है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। और मैंने क्या किया है, ये जो काम है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले स्टेप्स मानी कौन से रोड मैप से आपको वो चीज करनी है। स्टेप्स होंगे कि सबसे पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद उसको कौन से फॉर्मेट में स्टोर करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट जब भी हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो सबसे पहली चीज है कि हमें उसकी बेसिक डिटेल्स चाहिए कि भाई उसका बिजनेस मॉडल क्या है, टारगेटेड रीजन क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीज आपको एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर होनी चाहिए। तो इसका, ये सारी चीज का मैंने फॉर्मेट बनाकर रखा है और ये स्प्रेडशीट का एक्सेस मैं आपको दे दूंगा। इससे क्या होगा, आपको यहां से कॉपी करके आपकी स्प्रेडशीट को इसमें कॉपी कर लेना,
और जो आपका बिजनेस मॉडल है या जो आपका काम है उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर। फायदा इससे ये होगा कि ये गूगल क्लाउड पर स्टोर है, ये लोकल सिस्टम में स्टोर नहीं होता। तो सपोज आज मैं काम कर रहा हूँ, कल ये भाई काम कर रहा है, तो डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पर होने की बजाय कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। एक ऐसे मैंने तो खबर नहीं यार था मैं अलग चीज, बट इफ वी हैव द फॉर्मेट, इफ वी हैव द डेटा स्टोर्ड ऑन द क्लाउड एट वन सेंट्रल लोकेशन, कम्युनिकेशन गैप विल देयर विल बी नो कम्युनिकेशन गैप। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज यहां पर मैंने रखी है, उसको मेल फॉर्मेट। अगर आपको क्लाइंट नया है और अगर आपको क्लाइंट से नई चीज मंगवानी है कि भाई मुझे ये पांच चीज चाहिए, तो उसका मेल फॉर्मेट भी मैंने रेडी करके रखा है, राइट, यहां पर आपको मिलेगा। अभी वो जंप हो जाएगा, राइट, कि जब भी आपको क्लाइंट से कोई डिटेल्स लेनी है तो हर एक बार आधा घंटा मेल लिखने में स्पेंड नहीं करना। इसको कॉपी करके जहां पर जो चीज चेंज करनी है उसको चेंज करके सीधा भेज देना। इससे फायदा क्या होता है कि एवरी टाइम यू डू नॉट रिमेंबर एवरीथिंग इन योर माइंड कि मेल में ये नहीं छूटना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जब आप ये मेल ड्राफ्ट कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो सब कुछ लिख लो और उसको फिर फॉर्मेट बनाकर हर एक टाइम माइनर चेंजेस करके सामने वाले को भेज, दैट विल सेव लॉट्स ऑफ योर टाइम। और सभी चीजों के लिए मैंने ऐसा फॉर्मेट बनाया हुआ है, जितनी भी चीज है, राइट, लीड को कैसे कन्फिगर करना है, ई कॉमर्स रेवेन्यू को कैसे कन्फिगर करना है, वेब मास्टर कैसे करना है, राइट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एचआरएफ से या एससीएम रशिया कैसे करना है, ये सारी चीज की मैंने इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर रखी है, राइट, करेक्ट। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर आपको सर्विस की जरूरत है तो वी ऑल्सो गिव यू द सर्विस एज वेल, राइट। एंड मैंने मेरी करियर में, अगर आप, मैं आपको मेरी मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखाता हूं, राइट, दिस इज माई प्रोफाइल। मैंने अपना काम शुरू किया था 2006 में, 2005 में, राइट, और मैंने एमएससी विद मैथ्स किया है जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट, बट ड्यू टू द कोइंसिडेंस आई हैव एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, बट नाउ आई एंजॉय इट अ लॉट, राइट, करेक्ट। तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप यहाँ से जो भी लोगों का मैंने काम किया है उसका आप यहाँ से रिव्यू देख सकते हो, करेक्ट, जितने भी लोगों का मैंने काम किया है शुरू से लेकर 2009 से लेकर, यानी 2005 से जब मैं काम करता था तब से लेकर अभी तक का जितने भी लोगों का मैंने काम किया है, वो लोग मेरी सर्विस के बारे में क्या बोलते हैं ये आपको यहाँ से मिलेगा, करेक्ट। और इसकी ये खासियत है कि इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा होती है लिंक्डइन में, क्यों, क्योंकि आपकी प्रोफाइल है तो ही आप ये रिव्यू दे सकते हो, कोई एरा गैरा नहीं दे सकता। तो अगर आप यहां पर, सपोज मैंने ये जो इनके लिए काम किया है बॉब मासा, राइट, इनकी अपनी प्रोफाइल है, वो ओक्लाहोमा सिटी में अपनी कंपनी है उनकी, राइट, और इनकी पूरी प्रोफाइल आपको यहां से मिलेगी, करेक्ट, राइट। सो द पॉइंट इज दैट कि ये मेरी क्रेडेंशियल है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, जो आप लोग सीखोगे ट्रेनिंग के दौरान, राइट, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग ये हम लोग बाद में देखेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकली क्या सीखोगे पूरी ट्रेनिंग के दौरान, यस। तो सबसे पहला लेक्चर आपका होगा कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए या आपका खुद का बिजनेस है, तो सबसे पहले लेक्चर में आप लोग सीखोगे कि क्लाइंट से कौन कौन से डिटेल्स लेनी है, व्हाट आर द डिटेल्स वी नीड फ्रॉम द क्लाइंट, राइट। तो सबसे पहला लेना है कि भाई आपका बिजनेस मॉडल क्या है, राइट, आपका डोमेन नेम क्या है,
आपका बिजनेस रेवेन्यू कैसे आप जनरेट करते हो एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच इज वेरी फंडामेंटल टू डिजाइन द स्ट्रेटजी. डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाने में अगर ये चीज आपको पता नहीं है यू विल डेफिनेटली मिसगाइडेड. आप ऐसा होगा कि आपको प्रमोट करना है यूएस में और आप लोकल लिस्ट लिंक बिल्डिंग कर रहे हो या उसको प्रमोट कर रहे हो इंडिया में. कई बार मैंने करियर में ऐसा देखा. व्हाई? बिकॉज टीम डज नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट वांट्स, राइट? तो ये चीज ना हो इसलिए पहले ही लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास नया आ रहा है या आपका खुद का बिजनेस है तो ये चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? कि मुझे क्या करना है और मेरा बिजनेस मॉडल क्या है एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? ये चीज सीखकर आप प्रेजेंटेशन क्लाइंट को कैसे भेजना है वो सीख पाओगे. स्ट्रेटजी मंथली कैसे बनानी है वो आप सीख सकते हो, राइट? दूसरे लेक्चर में आप सीखोगे कि अगर आपकी वेबसाइट है तो डोमेन नेम को कैसे चूज करना है. डोमेन नेम मानी वेबसाइट का नाम, राइट? कौन सा एक्सटेंशन के साथ चूज करना है, .com लेना है, .co.uk लेना है, .com.au लेना है, व्हाटएवर इट इज, राइट? नंबर टू, होस्टिंग प्लान कैसे लेना है, लिनक्स का लेना है या विंडोज का लेना है, राइट? कौन सी जगह से लेना है, होस्टगेटर से लेना है, गोडेडी से लेना है, लोकल सर्विस से लेना है, क्यों लेना है, ईमेल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, राइट? हर एक का अपना एक ईमेल आईडी होता है, जैसे कि chirag@shoutandhike.com, उसको कैसे बनाना है, राइट? नंबर फोर, कि कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ये सारी चीज आप ये लेक्चर में ओवरव्यू. यानी अगर आपके पास एक ब्रांड न्यू फ्रॉम द स्क्रैच कोई भी बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग करना है अप टू द एंड, वो कैसे करना है वो हम लोग दूसरे लेक्चर में सीखेंगे. ये सारे उसके फेजेस है, जैसे कि डेटा स्टोर करना, डोमेन नेम को बाय करना, होस्टिंग बाय करना, सी पैनल में लॉगिन होना, ईमेल आईडी बनाना एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? तो दिस यू विल लर्न इन द सेकंड लेक्चर. उसके बाद जो एसईओ की फील्ड में है या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में है उसको सबसे ज्यादा कौन सी चिंता सताती है, सोचियो जरा. कई चिंता सता है, मारा रैंकिंग आयला जताना है, जो मेरे रैंकिंग आ गए, जैसे शेयर मार्केट में है कि जो स्क्रिप्ट मेरी बड़ी है वो कम नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से इसमें यह चिंता डर रहता है कि गूगल के कोई एल्गोरिदम अपडेट में मेरे रैंकिंग चले ना, राइट? इसका सॉल्यूशन क्या है, जो गूगल के फाउंडर्स है, कौन है फाउंडर पता है किसी को? वेरी गुड, एंड सरजी बिन, राइट? दीज टू आर द फाउंडर्स ऑफ गूगल, जिन्होंने गैरेज में अपनी कंपनी स्टार्ट की 1996 में प्रॉबेबली. जब इन्होंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की थी गूगल, उससे पहले इन्होंने ये 10, उनका विजन था, राइट? कि ये 10 चीज हम लोग प्रूव करके रहेंगे या ये इसको हकीकत में तब्दील करेंगे. तो ये 10 चीज हमारे लिए भी उतनी काम की है क्योंकि हमें बहुत सारा काम गूगल को साथ में लेकर करना है. तो ये 10 चीज से क्या फायदा होगा, गूगल के कोई भी अल्गोरिदम अपडेट में आपकी वेबसाइट में फ्लक्चुएशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस और गूगल की थॉट प्रोसेस दोनों पैरेलल है, सिमिलर है. जैसे कि अगर आपको पता है कि ट्रैफिक रूल्स कौन कौन से है तो आपको तो वो ट्रैफिक पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, थोला दी डरवानी जरूर नहीं, राइट? पर तमें जो कोई रूल्स फॉलो ना करो तो पछी डरवानी जरूर है. हेलमेट ना पहरी हो के पीयूसी ना हो के तुम्हारी जोड़े लाइसेंस ना हो, देयर आर सो मेनी रॉन्ग साइड में हो, देयर आर सो मेनी रीजन. सेम वे से गूगल में अगर आपने कोई ऐसी चीज या ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो विच इज अगेंस्ट गूगल पॉलिसी, राइट? तो गूगल की पॉलिसी क्या है, ये 10 अमेंडमेंट्स, ये गूगल की पॉलिसी. तो ये 10 अमेंडमेंट्स के बारे में जो आप हमें कैसे उसको इस्तेमाल करना, ये गूगल ने तो अपने तरीके से लिखे है, राइट? जो गूगल अपने एम्प्लॉय को सिखाता है वो हमें कैसे सीखना है हमारे काम के लिए, हमारे काम के लिए मानी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम लोग सीखेंगे तीसरे लेक्चर में, राइट? उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च. सो कीवर्ड रिसर्च में आप सीखोगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जा सकता है. मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं. गूगल
पहले ये टूल फ्री था, अभी ये पेड हो गया है। इससे क्या फाइंड कर सकते हो आप, आपकी प्रोडक्ट के लिए इंटरनेट पर डिमांड कितनी है ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो। डिमांड कितनी है मानी कौन कौन से वर्ड से गूगल पर लोग ढूंढते हैं आपकी सर्विस को लेने के लिए, दैट यू विल बी एबल टू नो विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल एडवर्ड्स टूल, राइट। अभी हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की कितनी डिमांड है, वो हम लोग देखते हैं अभी, राइट। यहां से आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाकर प्लानिंग, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर, यहां पर आपको एंटर करना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, राइट। सिंपल अभी हम लोग ये लिखते हैं गेट स्टार्टेड। कितनी डिमांड है अभी इसकी पूरे, कहां पर हमने लोग देख रहे हैं इंडिया में कितनी डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की, 6600। ये डिमांड सबसे ज्यादा कौन से महीने में होती है, अप्रैल महीने में, क्योंकि मार्च एंडिंग होता है तो लोग नई शुरुआत करते हैं अपने बिजनेसेस की। लोग कौन से डिवाइस से सबसे ज्यादा ढूंढते हैं, मोबाइल पर 44.2% ऑफ द पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस सर्विस ऑन द मोबाइल डिवाइस। यानी अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो कितना मार्केट शेयर आप लूज कर दोगे, 44%, राइट। सो योर वेबसाइट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव, दैट इज नंबर वन, एंड योर पेज लोडिंग टाइम मस्ट नॉट बी मोर देन 3 seconds। 3 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। तीसरा है इसकी डिमांड सबसे ज्यादा कौन से लोकेशन में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद एंड सो ऑन। यानी अगर आपको यहाँ पर सीख के जॉब करनी है तो मुंबई चले जाना है तुरंत, यहाँ से अच्छे सैलरी में जॉब मिल जाएगी क्योंकि डिमांड वहां पर ज्यादा है, करेक्ट। तो ये सारे डेटा आपकी बिजनेस के लिए गूगल से निकाल सकते, और ये फंडामेंटल चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता है कि इसकी डिमांड कैसी है या कौन से वर्ड से लोग सबसे ज्यादा ढूंढते हैं, योर स्ट्रेटजी विल बी इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप बोलोगे क्लाइंट को कि हम लोग पहली पेज पर आ गए, लेकिन क्लाइंट बोलेगा मुझे तो लीड ही नहीं मिल रही है, राइट, दैट इज फॉर व्हाट आई एम पेइंग यू। लेकिन अगर वो चीज आप यहां पर करोगे, ये स्टेप्स को टेक केयर करके करोगे कि लोग कौन से वर्ड से ढूंढते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से ढूंढते हैं और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपको यह पता लगेगा कि यूजर इतने सारे वेरिएशन से ढूंढता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। और ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विस तो एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सेम स्ट्रेटजी से ये चीज कर सकते, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढने के लिए लोग कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नंबर वन। एंड आपको उसको इस्तेमाल करके आपकी पेज ऑन पेज कैसे करनी है, पेज ऑन पेज मानी आपकी वेबसाइट। अभी मैं आपको दूसरी एक चीज दिखाता हूं। सपोज मैं यहां पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, तो जो लोग, मैं इनकॉग्निटो में एक बार ओपन कर देता हूं, राइट। तो जो सबसे पहली चीज होती है, अगर आपको और कुछ नहीं करना है, अगर आपको कहीं पर भी नहीं हो मानी अगर कोई वो कीवर्ड आप ढूंढ रहे हो तो आपकी वेबसाइट नहीं दिख रही है, मानी कहीं पर भी नहीं, और अगर आपको टॉप 50 में आना है, तो ये 5 चीज करोगे यू विल बी इन टॉप 50, दैट इज माय गारंटी, राइट। क्या क्या 5 चीज है? सबसे पहले आपका टाइटल, ये जो टाइटल है, ये जो बंदा जो कीवर्ड से ढूंढ रहा है वो आपके टाइटल में मीनिंगफुल वे से होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग माने रीडेबल होना चाहिए।
સમજો છો શું કહેવા માંગુ છું? સપોઝ તમે દાબેલી એ વેચતા હો, વડાપાઉં એ વેચતા હો અને બધું એક લાઈનમાં સ્પેસ વગર લખી નાખી, સો દેટ ઇઝ સ્પામિંગ. યુઝર વિલ નોટ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ એક્ઝેક્ટલી યુ આર ફાસ્ટ ફૂડ મેં આપ ક્યાં પ્રોવાઈડ કર રહે હો, દેટ યુઝર વિલ નોટ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. લેકિન વો મીનિંગફુલ વે સે અગર આપને લિખા તો સબસે પહેલા હે ટાઇટલ, દૂસરા હૈ ડિસ્ક્રિપ્શન. જો યહાં પર ડિસ્ક્રિપ્શન મેં વો કીવર્ડ હોના ચાહિએ, ઓર તીસરા યુ આર એલ. અગર યુ આર મેં આપ રખ સકો તો રખો, દેટ ઇઝ ગુડ. અગર વો ડોમેન નેમ હે આપકા તો નહીં રખ. ઉસકે બાદ હા, લેકિન રૂટ મેં સ્લગ નહીં હોતા ના, હોમ પેજ મેં નહીં હોતા, હોમ પેજ મેં નહીં હોતા. તીસરા હૈ આપકો યહાં પર હેડલાઇન જો હૈ, જબ કોઈ બંદા આપકી વેબસાઇટ પર કીવર્ડ કરકે એન્ટર હોતા હૈ તો ઉસકો સબસે પહેલે વો દિખના ચાહિએ જો ઇમ્પ્રેશન લેકર વો આપકી વેબસાઇટ મેં આયા હૈ. કોઈ ભી બંદા મેરી વેબસાઇટ મેં કોન સી ઇમ્પ્રેશન લેકર આયેગા કે હમ લોગ ડિજિટલ માર્કેટિંગ કી સર્વિસ દેતે હૈ, ઉસી કો મેને સબસે પહેલી હેડલાઇન મેં લિખ દિયા, નંબર વન SEO એન્ડ ડિજિટલ માર્કેટિંગ કંપની ને અમદાવાદ, કરેક્ટ. ઇસે ક્યા હોતા હૈ, ઇસે મેરી વેબસાઇટ મેં એવરેજ વિઝિટ ડ્યુરેશન બઢ જાતા હૈ, લોગ યહાં પર આગર બાઉન્સ નહીં હો જાતે, વોહી પેજ સે નિકલ નહીં જાતે, સમજ રહે હો માય પોઈન્ટ. ઓર યહાં પર મેને ઉસકે બેનિફિટ લિખે. કોઈ ભી ચીજ કો અગર કરના હૈ તો સબસે પહેલે ઉસકો ઇસકે ફાયદે બતાઓ, રાઈટ. ઉસકો કન્વિન્સ કરો કે યે ચીજ આપકે લિયે કિતની કામ કી હૈ, કિતની અહેમિયત દેતી હૈ, રાઈટ. તો યે દો ચીજ આપ સીખોગે. જો હમારા ઓર ટોપિક હૈ વો હૈ પેજ ઓન પેજ. યે રહા પેજ ઓન પેજ, રાઈટ. ઉસકે બાદ ઇમેજ ઓલ્ટર ટાઇટલ ટેગ, વો હમ લોગ પ્રેક્ટિકલ ઉસ વક્ત દેખેંગે. એડવાન્સ સર્ચ ઇન ગૂગલ, યે બહોત કામ કી ચીજ. સપોઝ મુજે યે જાનના હૈ કે લોગ ડિજિટલ માર્કેટિંગ મેં યા કોઈ ભી આપકી કોઈ ભી સર્વિસ પ્રોવાઈડર યા પ્રોડક્ટ પ્રોવાઈડર અપના પ્રપોઝલ કેસે ભેજતે, હાઉ દે સેન્ડ ધ પ્રપોઝલ. તો આપ યા આપકો કોઈ બુક ઢૂંઢની હૈ, યુ કેન ઓલ્સો સર્ચ ધ બુક વિથ ધીસ ટેકનિક એઝ વેલ. આપકો ક્યા કરના હૈ, એડવાન્સ સર્ચ મેં ચલે જાના હૈ, સેટિંગ એડવાન્સ સર્ચ, યહાં પર લિખ લેના હૈ ડિજિટલ માર્કેટિંગ પ્રપોઝલ. यहां पर जो फॉर्मेट है वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ, क्योंकि ज्यादातर प्रपोजल पीडीएफ में, राइट. एडवांस सर्च, कितने प्रपोजल मिले हमको, एकम दशक सौ हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, एक करोड़ प्रपोजल मिले हमको, कितनी सेकंड में, लेस देन वन सेकंड, राइट. यहां पर आप ओपन करके देख सकते हो कि लोग जब क्लाइंट को कन्विंस करना होता है सो हाउ दे सेंड द प्रपोजल, करेक्ट. तो आप आपके बिजनेस के लिए भी, ये तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए बताया, कोई भी बिजनेस के लिए अगर आपको ढूंढना है तो फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ और आगे आपका कीवर्ड. ये तरीके से आप बहुत ऐसी 50 से ज्यादा सर्च टेक्निक है, 50 से ज्यादा गूगल एडवांस सर्च की फैसिलिटी देता है. सपोज मुझे एक वर्ड नहीं पता है, सपोज आपको इंग्लिश में कोई वर्ड आया आर्टिकल पढ़ते वक्त, तो आप सिंपल सर्च करते हो रॉबस्ट, सबसे पहले वो वर्ड और उसके बाद उसका मीनिंग सीधा आपको यहां पर मिलेगा. इंग्लिश को हमेशा इंग्लिश से सीखना चाहिए रादर दूसरी लैंग्वेज, राइट. तो यहां से आपको स्ट्रांग एंड हेल्थी, रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्थी, करेक्ट. तो द पॉइंट इज कि ये सारी सर्च टेक्निक से, सपोज मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी ऑस्ट्रेलिया में और मुझे सिडनी का करंट टाइम चाहिए, यहां पर आपको टाइम मिल जाए अभी उसके वहां पर शाम के 4:30 बजे, करेक्ट. तो द पॉइंट इज ऐसी 50 से ज्यादा सर्च टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपना काम गूगल से डेटा फाइंड कर सकते. जो डेटा जनरेशन का काम है ना वो स्मार्ट सर्च टेक्निक से, जो काम अनस्किल्ड वाला बंदा जिसके पास स्किल नहीं है वो अगर 2 घंटा करता है तो आप वो उसको 10 मिनट में खत्म कर देंगे. दैट इज द पावर ऑफ एडवांस सर्च, राइट. उसके बाद है टूल्स, ये भी बहुत ही काम की चीज है. सपोज मुझे एक क्लाइंट को ईमेल लिखना है, राइट. आई वुड लाइक टू सेंड एन ईमेल टू द क्लाइंट, यहां पर क्लिक किया,
सपोज मुझे मेरी वेबसाइट में चेंजेस करना है, करेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ऑसम स्क्रीनशॉट करके एक प्लगइन है, राइट, यहां पर सिलेक्ट करूंगा और मुझे ये भेजना है कि मुझे इस टाइप का होम मेरे प्रपोजल की स्क्रीन चाहिए, और मैं यहां पर लिख सकता हूं आई वुड लाइक टू हैव होम पेज स्क्रीन लाइक दिस ओनली, राइट, सो आई कैन पुट इट हियर, डन, कॉपी इमेज एंड देन सिंपली कंट्रोल वी, आ गई सीधी। सो जो चीज आप प्रिंट स्क्रीन से 15 मिनट में करते हो, वो चीज कितनी मिनट लगी हमें, लेस देन 1 मिनट, राइट, वो चीज आप यहां से लेस देन 1 मिनट में करते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी 100 से ज्यादा टेक्निक है, एडवांस टूल्स है जो फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज मुझे मेरा क्लाइंट है वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि उसको इंग्लिश में बताए, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, गुजराती में भी ईमेल लिख सकते हो आप, राइट, करेक्ट, तो ऐसे जितनी भी रीजनल हमारी लैंग्वेज है वो सभी में आप मेल ड्राफ्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये जो सारी सर्च टेक्निक है उस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा है, 50+ टूल्स, राइट, यहां पर आपको मेरा आर्टिकल भी मिलेगा जो मैंने पूरा आर्टिकल ही बनाया है, इसके ऊपर लिखा है कि आप एडवांस सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करके, यहां पर वीडियो भी है मेरा, ये सारे टूल्स है, ऑसम स्क्रीनशॉट है, रिस्पॉन्सिव टेस्टर है, बहुत सारे हैं, गूगल कैलेंडर है, अगर आपको आपके दिन को ऑर्गेनाइज करना है तो यू कैन यूज द गूगल कैलेंडर, आपको रिमाइंडर सेट करना है, सपोज आपकी कोई फ्रेंड का बर्थडे है, राइट, सो यू कैन अरेंज इट इजीली विद द हेल्प ऑफ गूगल कैलेंडर, राइट, कैसे, यहां पर क्रिएट करो, यहां पर लिखो, और उसको रिमाइंडर है तो मोर ऑप्शन में जाकर यहां पर आप उसको रिमाइंडर के तौर पर भी सेट कर सकते हो, डेली चाहिए, ईयरली चाहिए, एक्सेट्रा, अगर बर्थडे है तो ईयरली होगा, कितने टाइम पर वो रिमाइंड करे, तो सुबह के 7 बजे, समझ रहे हो, राइट, सो द पॉइंट इज कि ऐसे 100 से ज्यादा टूल्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आप सीखोगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, राइट, और इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी इसके लिए लिखा है कि आप आसानी से इसको गो थ्रू कर सकते, ओके। उसके बाद है कि पेज लोडिंग टाइम को कैसे कम करना है, राइट, सपोज आपकी वेबसाइट अभी 4 सेकंड में ओपन हो रही है तो उसको 3 सेकंड कैसे करना है, दैट यू विल लर्न इन द ट्रेनिंग, बहुत सारे टूल्स है उसके। बैकलिंक एनालिसिस कैसे करना है, तो मैं आपको एक टूल दिखाता हूं, नील पटेल करके एक बंदा है जो काफी पहचान इन्फ्लुएंसर है, उबर सजेस्ट, हेलो, यस, मणिनगर नहीं आना है आपको, वो आश्रम उड़ाना था, नहीं 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 मणिनगर में नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसका वीडियो आपको भिजवा दूंगा, ठीक है, हाँ, सब कुछ आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें, अगर अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन विजिट इट पर्सनली, राइट, यस, तो ये उबर सजेस्ट है, इसका फायदा ये है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो पूरा आप उसको जन्म कुंडली निकाल सकते हो, और ये फ्री है। सपोज मुझे जानना है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, सपोज बोनो बोज मेरा कॉम्पिटिटर है,
और अगर मुझे जानना है कि ये क्या कर रहा है भाई, इजीली आप ढूंढ सकते हो यहाँ वो कौन से कीवर्ड से टॉप में है, उसने कहाँ कहाँ पर अपनी लिंक बनाई है, आ गया कौन से कीवर्ड से वो पहला आता है वो यहां पर मिल जाएगा, कीवर्ड आइडियाज। नहीं, सर्च और यहां पर टॉप कीवर्ड यहां से मिल जाएगा। अगर इसकी साइट, ये सारे कीवर्ड थे वो पहली पोजीशन पर है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अहमदाबाद वो पहली पोजीशन पर है। कौन सी लिंक उसने बनाई है, बैकलिंक। बैकलिंक मानी कौन कौन सी जगह पर उसकी फुटप्रिंट है, तो ये सारी जगह पर उसकी फुटप्रिंट है। इससे आपकी कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को आप आसानी से जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, राइट। तो ये कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सीखोगे आप बैकलिंक एनालिसिस, राइट। उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। व्हाट इज कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन? सपोज मैं मेरी वेबसाइट से आपको एग्जांपल देता हूं, ये मैंने यहां पर मेरी ये वेबसाइट है, जब मैंने ये 2016 में लॉन्च की थी तब ये डाउनलोड सिलेबस और रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर नहीं था, ये दो चीज मैंने उस वक्त नहीं रखी थी। जब मेरी वेबसाइट पर 100 लोग विजिट करते थे, एक या दो लोग मुझे कांटेक्ट करके जाते थे, वो आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स। मैंने ये दो चीज टेस्ट की, एबी स्प्लिट टेस्टिंग किया, 50% यूजर को मैंने ये दो चीज बगैर मेरी वेबसाइट दिखाई और 50% यूजर को ये दोनों चीज के साथ मैंने वेबसाइट दिखाई, मेरा कन्वर्जन रेट डबल हो गया। यानी अभी मुझे 100 में से 4 से 5 लोग ऑन एन एवरेज कॉन्टेक्ट करते। क्यों? क्योंकि फ्री वर्ड हमेशा एनकरेज करता है सामने वाले को आपको कॉन्टेक्ट करना, नंबर वन। एंड नंबर टू, सामने वाले को मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट अस पर नहीं जाना पड़ेगा, वही पेज पर सीधा वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता। तो ऐसी 50 से ज्यादा टेक्निक्स है जो मैंने यहां पर बनाई है, कि आपके हेडर में क्या होना चाहिए, बैनर में क्या होना चाहिए, कंटेंट में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों की मैंने प्रोसेस बनाई। ये चीजों अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो बिलीव मी, आपकी वेबसाइट से अभी जो आपको लीड मिल रही है उस पर अगर जो ट्रैफिक है आपके पास तो कंफर्म डबल हो जाएगी। ऐसी सॉलिड ये स्ट्रेटजी, चैटबॉक्स, अभी वो चैटबोट आ गई है अभी तो, राइट। लेटेस्ट ट्रेंड इज अ चैटबोट, उसको भी आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये सारी टेक्निक्स है, ये मैंने यहां पर फॉर्म रखा हुआ है, दिस आल्सो वर्क्स, गिव्स मी अ हैंडसम लीड। आप सिंपल सोचो कि यहां पर आपको दिखेगा कि मुझे कितनी लीड मिली है, कितनी लीड है, 181 लीड है मेरे पास। ये सारे लोग, अब मेरी टीम काम कर रही है इसलिए मेरे में 100 है, इतने सारे लोगों ने हर रोज मुझे कॉन्टेक्ट करता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए, और हर एक का मुझे डेटा यहां से इस तरीके से मिल जाता है, समझ रहे हो। सो दिस इज द इन्फ्लुएंस। अगर आपको राइट वे से पता है कि कौन सी चीज किस तरीके से की जा सकती है, स्काई इज द लिमिट। आप सिंपल समझो कि मेरे पास 180 लीड्स है, और कब तक का है ये डेटा, शायद टाइम हो गया, May 1st से होगा प्रॉब्लम, मैंने क्योंकि काफी टाइम से नहीं देखा है, राइट। तो आप समझो कि 180 लीड मुझे 15 दिन में मिली है, तो बिलीव मी उसमें से अगर 10 बच्चे भी मेरी ट्रेनिंग ले लेते हैं तो ह्यूज आरओआई इज देयर, राइट। तो इसको कैसे करना है ये आप सीखोगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, कि एग्जिस्टिंग ट्रैफिक से लीड को कैसे बढ़ाना, या ई कॉमर्स में सेल को कैसे बढ़ाना। उसके बाद है लोकल बिजनेस सबमिशन, गोपी, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू, गोपी एयर कंडीशनर एंड लंच बॉक्स, सो इट इज अ पार्ट ऑफ लोकल बिजनेस सबमिशन। गूगल एनालिटिक्स, तो मैं आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखाता हूं।
राइट, ये गूगल एनालिटिक्स है। ये डेट रेंज है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने फेब्रुआरी से मुझे जानना है कि मुझे कितना ट्रैफिक मिला है, और राइट आ गया मेरे पास डेटा। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि सबसे कौन से टाइम पर मुझे लीड मिलती है। जीरो मानी संडे, राइट, वन मानी मंडे, मुझे सबसे ज्यादा लीड कौन से दिन पर मिलती है? मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे एंड बस। ये जो वर्टिकल लाइन है ये एवरेज है, पूरी साइट की एवरेज है कि भाई पूरी साइट में मुझे नॉर्मली कितनी लीड मिलती है, राइट। तो संडे को मुझे, मंडे ऑन ट्यूसडे को सबसे ज्यादा लीड ऑन एन एवरेज मिलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसे? व्हाट आर द एक्शन आइटम आई शुड हैव फ्रॉम दिस डेटा? मंडे और ट्यूसडे को मुझे मेरे कैंपेन का बजट हाईएस्ट रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लीड देने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। यही चीज आप टाइम के हिसाब से भी कर सकते हो, समझ रहे हो कि कौन से टाइम पर मुझे लीड सबसे ज्यादा मिलती है, समझ रहे हो, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स यू विल लर्न इन गूगल एनालिटिक्स। सपोज मुझे ये जानना है कि मुझे लास्ट 30 डेज में या लास्ट जो भी टाइम रेंज मैंने सिलेक्ट किया, मुझे कितनी लीड मिली है। अभी तक मुझे मिली है 288 लीड्स, कौन से माध्यम से मिली है? फ्री में मिली है 118, यानी मेरी 41% लीड में मुझे एक भी रुपए पैसे नहीं देने पड़े ऑर्गेनिक लीड। डायरेक्ट मानी किसी ने मेरी वेबसाइट को ओपन किया और मुझे कांटेक्ट किया। जीएमबी लिस्टिंग मानी गूगल लोकल में जो आपकी मेरी ट्रेडिंग की मैप के साथ जो लिस्टिंग दिखती है उससे मुझे कितनी लीड मिली है? 48। पेड जो मैं रीमार्केटिंग कर रहा हूं उससे मुझे कितनी लीड मिली है? 42। तो ये सारी चीज, एसएमएस से मुझे कितनी लीड मिली है? 3 लीड मिली। आप एनालाइज कर सकते हो आपके बिजनेस। इससे ये फायदा होगा कि कौन सी जगह पर फोकस करना है और कौन सी जगह पर ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना है, दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, करेक्ट। अगर मुझे ये जानना है कि अभी कितने लोग हैं मेरी वेबसाइट पर, आई कैन इजीली चेक इट। सपोज मैं यहां पर वेबसाइट को ओपन करता हूं, राइट, और अगर मैं यहां पर रियल टाइम में देखता हूं, अभी आपको मिलेगा कि एक बंदा वेबसाइट पर आया है, दो बंदा है, एक होम पेज पर है जो प्रोबेबली मैं हूं जो अहमदाबाद से, और दूसरा है वो है मुंबई से। कौन से पेज पर है? एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज पर और एक है होम पेज पर, जो हम है वो होम पेज पर है हम लोग। अभी अगर मैं यहां से चला जाता हूं कॉन्टेक्ट अस पेज पर, यू विल फाइंड दैट द पेज विल गेट चेंज फ्रॉम कॉन्टेक्ट अस, राइट। ये चीज आपको कब काम में आएगी? जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो इवेंट, और अगर आपको रियल टाइम का डेटा चाहिए, दिस थिंग्स विल हेल्प। सपोज मुझे चाहिए कि भाई कन्वर्जन कितने मिले मुझे, यानी कितने लोगों ने मुझे कॉल किया, ये जो विजिटर आए उसमें से किसी ने कॉल किया। सपोज मैं यहां पर व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूं, राइट, तो यहां पर आ जाएगा कि व्हाट्सएप पर किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट किया है, शायद ये व्हाट्सएप का ट्रैक नहीं किया है हमने। सपोज मैं होम पेज पर फोन पर क्लिक करता हूं, आ गया क्लिक टू कॉल, राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इवेंट ट्रैकिंग। तो ये कैसे किया जाता है?
ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आपने ट्रैकिंग नहीं किया, यू विल नॉट बी एबल टू शोकेस कि आपने जो काम किया उसका क्लाइंट को क्या फायदा हुआ। क्लाइंट हमेशा ऐसा ही बोलने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, दिस इज माई एक्सपीरियंस। उसे 10 लीड मिली होगी तो अभी ऐसा बोलेगा यार काम नहीं था मारू बराबर, पर आपने खबर पड़ी है कि नेक्स्ट महीना ना पैसा आप जले काम आपको काम सारू, राइट। सो दिस इज ऑल दिस थिंग्स विल मेक योर जॉब वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स विच गिव्स यू द रिटर्न। तो ये चीज आप सीखोगे गूगल एनालिटिक्स। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये पेड एडवर्टाइजमेंट। तो पेड एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जा सकता है, मैं आपको रीमार्केटिंग के एग्जाम्पल से दिखाता हूं। मैंने एक कैंपेन बनाया है रीमार्केटिंग। तो मैंने क्या किया है, जो भी लोग मेरी वेबसाइट से निकलते हैं और जिसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया उसको मेरी एड दिखेगी, कंटिन्यूअस दिखेगी। आप में से कई लोगों को दिखेगी, दिखी होगी। एक महीने तक मेरी एड उसका पीछा करेगी, राइट। इससे मेरा ब्रांडिंग होगा और उसके दिमाग में मेरा कोर्स फिट हो जाएगा, राइट। तो कैसे किया है मैंने, ये मेरी एड है, राइट। ये एड है जो आपको दिख सकती है मेरी वेबसाइट को विजिट करने के बाद। और मैंने पहली लाइन में क्या लिखा है, ऑन 20,000, वो तुरंत ही आई कैचिंग है, तुरंत ही सामने वाले को स्टिक कर देगा, राइट। दुनिया में नॉर्मली चार ही चीज के लिए लोग काम करवाते हैं, फंडामेंटल फोकस चार ही होता है, पहले मनी, कंफर्ट, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। ये चार चीजों को कंसीडर करके अगर आपने पहली लाइन बनाई है तो बिलीव मी यू विल गेट द इंट्रैक्शन, यू विल गेट द एंगेजमेंट, राइट। तो ये एड कैसे बनानी है, लाइव कैसे करनी है, ट्रैक कैसे करनी है, रीमार्केटिंग कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स यू विल लर्न इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको और एक भी दिखा सकता हूं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिसका हमने बाहर से लीड लाने में उनको बहुत काम, बहुत हेल्प की, राइट। आपने शायद विंग्स हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, IVF के लिए वो बहुत फेमस है, उनका डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं। उनका ये गोल है कि केन्या में उनका सेंटर है IVF का, वहां से उनको लीड लाकर देना है विंग्स हॉस्पिटल, राइट। सो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में कि वो भी कैसे किया जा सकता है। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल में मेल चिम का कैसे यूज करना है, सेंड ग्रिड का कैसे यूज करना है, कौन से टाइम पर भेजना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, वो सारी चीज मैं ईमेल मार्केटिंग में आपको सिखाऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग, तो यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट के टॉपिक को कैसे ढूंढना है, ट्रेंडिंग टॉपिक को कैसे ढूंढना है, राइट। अभी ट्रेंड में कौन सा टॉपिक चल रहा है, दैट अगर आपको वो जानना है, सपोज मुझे ये जानना है कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, प्रॉबेबली क्रिकेट चालतू हो जाए, अत्यार वर्ल्ड कप आई क्यों ना, वर्ल्ड कप नहीं, आपने तो एक मिनट हो, वेब सर्च में एक मिनट, ऑल कैटेगरी वर्ल्ड वाइड नहीं जगह इंडिया, राइट। तो आप यहां से ढूंढ सकते हो कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड की डिमांड सबसे ज्यादा कब होती है। मैं आपको एक सिंपल चीज दिखाता हूं, डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड हम लोग देखते हैं, यू विल हैव द आइडिया कि इसका फ्यूचर क्यों ब्राइट है। दिख रहा है इसका ग्राफ, राइट। दिस इज द फ्यूचर, दैट इज व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर। ये इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी ऐसा ही ट्रेंड है, डिजिटल मार्केटिंग जानने वाले लोगों की डिमांड ग्रेजुअली सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, राइट। सो ये सारी चीज ट्रेंडिंग टॉपिक आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, और लोग कौन से वर्ड से इसको सबसे ज्यादा ढूंढते हैं वो आपको यहाँ से पता लगेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, और उसके बाद जॉब्स,
राइट, ये ब्रेकआउट है रिलेटेड क्वेरीज और रिलेटेड टॉपिक्स, करेक्ट। तो ये सारी चीज का आप आपके कंटेंट राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि डिमांड किसकी ज्यादा है और ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा, राइट, जिसके आपको मोमेंटम बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। मोबाइल मार्केटिंग, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यू विल हैव द क्लैरिटी व्हाट आई मीन बाय मोबाइल मार्केटिंग। सपोज ये मेरी वेबसाइट है, इसको मुझे देखना है कि आईफोन में कैसी दिखती है, आईफोन 6 में कैसी दिखती है। दिस इज हाउ इट लुक्स इन आईफोन 6। आपको कोई चीज इसमें, आपका कोई ऑब्जर्वेशन है ये इसको देखते वक्त? डू यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन व्हेन यू सी दिस मोबाइल वर्जन ऑफ द वेबसाइट? कोई चेंज लग रहा है आपको डेस्कटॉप की वेबसाइट से इसमें? वो रिस्पॉन्सिव तो है, दैट इज ओके, लेकिन और कोई चेंज? मैंने ये तीन कॉल टू एक्शन को फ्रीज कर दिया, रिक्वेस्ट फ्री कोट, व्हाट्सएप एंड मोबाइल। इससे फायदा क्या होता है कि कोई भी बंदे को ये पढ़ते वक्त, सपोज उसको ये पढ़ते वक्त वो टच कर गया और उसको सीधा मुझे कॉन्टेक्ट करना है, ही कैन इमीडिएटली कॉल मी फ्रॉम द फुटर ऑफ स्क्रीन, उसकी स्क्रीन के नीचे से वो तुरंत, उसको वो कॉन्टेक्ट स्पेस पर नहीं जाना पड़ेगा, समझ गए? इससे मेरा कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। तो ऐसी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में 50 से ज्यादा टेक्निक्स है जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, मोबाइल ई कॉमर्स कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने यहां पर लिखी है कि चेकआउट पेज कैसा होना चाहिए, स्लाइडर कैसा होना चाहिए एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इससे फायदा ये होता है कि जब आप क्लाइंट की मोबाइल के लिए वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो उसको सेल ज्यादा मिलेगा, राइट। ऐसे दो या तीन आप स्मार्ट सजेशन दोगे ना, ही कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट मोर कन्वर्जन फ्रॉम हिज वेबसाइट, राइट। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया में मैं आपको एक रियल केस स्टडी दिखाता हूं। हमने नौकार के लिए भी किया था और हमारी वेबसाइट के लिए भी किया था। हमने नौकार में जीएससी ट्रेनिंग के लिए एक कैंपेन चलाया, राइट। यहां पर है पलक शाह, मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूं कि हमने सिर्फ 33 रुपीज में उनको 200 से ज्यादा लीड लाकर दी थी, मोर देन 200। ये रहा लीड जनरेशन और यहां पर है ऑल टाइम लाइक 201 लीड्स, जीएसटी कोचिंग अहमदाबाद। कितनी लीड मिली है उनको? 201। कितने रुपए में? एवरेज 38 रुपीज। और वो ट्रेनिंग देते हैं अप्रोक्सीमेटली 15,000 में, यानी समझ लो कि इसमें से 201 में से 10 लोग भी कन्वर्ट हो गए, कितने उनका कितना रेवेन्यू होगा? 10 × 15,000, दैट इज 150,000। और कितने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं? दे हैव स्पेंड ओनली 7,500, 1.5 लाख का उनका 50% भी प्रॉफिट मार्जिन गिन लो तो 75,000 रुपीज उन्होंने चर्न किए हैं आफ्टर स्पेंडिंग 7,000 रुपीज, यानी अब तो अप्रोक्सीमेटली 12 times आरओआई हुआ या 11 times आरओआई हुआ, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने राइट तरीके से किया है। हमने क्या किया था उसमें, मैं उसका क्रक्स दिखाता हूँ आपको, वही सेम लॉजिक था उसमें, उसकी एड में आपको दिखाता हूं, एक मिनट। एडिट, लिखा था अनगारंटेड 12,000 रुपीज, उसके बाद फ्री,
राइट, इससे उनको सिर्फ 38 रुपीज में या 7500 में 201 लीड मिली। सो हाउ यू कैन डू दिस फॉर योर बिजनेस, दैट यू आर गोइंग टू लर्न। ऐसे लिंक्डइन भी मार्केटिंग पेड किया जा सकता है, ट्विटर भी किया जा सकता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी किया जा सकता है, तो वो आप सीखोगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। राइट, वर्क मैनेजमेंट, सो दिस इज बेस्ट पार्ट। स्ट्रेटजी कैसे बनाई जा सकती है, दैट यू विल लर्न। ये सीखोगे आप यहां से कि मंथली स्ट्रेटजी, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, कौन से सीक्वेंस में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, दैट ऑल थिंग यू विल हैव एट वन सेंट्रल लोकेशन। अगर क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना है तो कैसे भेजना है, उसका जो वर्ड में भेजना है या पीडीएफ में भेजना है तो कौन सी फॉर्मेट में भेजना है, राइट। सबसे पहले आपके अचीवमेंट होने चाहिए, उसके बाद रैंकिंग इंप्रूवमेंट, उसके बाद ट्रैफिक इंप्रूवमेंट, उसके बाद लीड इंप्रूवमेंट, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप क्या करने वाले हैं, राइट। ऑल दीज थिंग्स यू कैन सेंड इन द पीडीएफ वर्जन एज वेल। सिंपली यहां से फाइल डाउनलोड एस पीडीएफ, राइट, करेक्ट। तो ये चीज आप सीखोगे वर्क मैनेजमेंट में। और है इंटरव्यू को कैसे फेस करना, दिस इज प्रूवन। अगर आप ये स्ट्रेटजी से इंटरव्यू फेस करने के लिए गए जाओगे, बिलीव मी यू विल गेट सिलेक्टेड। मैंने इसका आर्टिकल लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं हाउ टू फेस SEO या डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू। राइट, मैंने इसका वीडियो भी रखा है। इनको तीन फेज है अप्लाई करने से पहले। आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल परफेक्ट होनी चाहिए और रिज्यूम परफेक्ट होना चाहिए। रिज्यूम में क्या होना चाहिए वो मैंने इसमें लिखा है। दूसरा है कि जब आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको उसको वो कंपनी के बारे में कौन कौन सी चीज जान लेनी है और उसको उनकी वेबसाइट के लिए किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना। तुम हमारी मारी मारी कंपनी में आओ अने तुम्हें साउथ एंड एक में मैंने 5 वस्तु बताओ या 5 वस्तु तुम्हारे करवा जेवी जे हूँ तुमने हायर करूँ के ना तो हूँ सिंपल एवं विचार हूँ आटला वर्षों की करूँ छू मैंने नहीं खबर ने आ छोकरो मारो इंटरव्यू माटे आयो छे अने ही हैज एनालाइज एवरीथिंग सो द प्रोबेबिलिटी विल गेट वेरी इंक्रीज दैट दे विल हायर, राइट। एंड लास्ट में इंटरव्यू देते वक्त कैसे आंसर देने, राइट। सो ये सारी चीज मैं आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपको मैं हेल्प करूंगा। और जैसे मैंने बताया कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है तो जॉब तो समझ लो आपको मिलने ही वाली है, उसका कोई और कोई रीजन नहीं। उसके बाद है कि डू यू प्रोवाइड जॉब गारंटी, यस ऑफ कोर्स वी डू प्रोवाइड, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप ज्यादा है तो यू विल गेट द जॉब। ऑफ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, कैन आई डू दिस कोर्स, ऑफ कोर्स मैं भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, राइट। अगर मैं आपको सिखा सकता हूँ तो आप कर तो सकते ही हो, राइट। व्हाट विल बी द टाइमिंग एंड डेज ऑफ द लेक्चर, तो जो अभी रिसेंट बैच है वो प्रोबेबली 2nd वीक ऑफ जून से स्टार्ट होने वाली है और वो सुबह के 8:30 से 10 बजे की, राइट। उसमें प्रोबेबली 10 रजिस्ट्रेशन हो गए, 5 अभी बाकी। हाउ मच सैलरी एंड ग्रोथ आई कैन एक्सपेक्ट, सी सैलरी ग्रोथ अगर आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो 20-30% यू कैन एक्सपेक्ट। अगर आप फ्रेशर हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10-15,000 और 20,000 रुपीज सैलरी एट द बिगिनिंग और 5 साल या 10 साल में आप 50,000 से 1,00,000 रुपए तक पहुंच सकते हो। इट इज अप टू यू इन हाउ मच टाइम माई फीस विल गेट रिकवर्ड, मैक्सिमम 2 मंथ्स। अगर 10,000 की भी सैलरी है तो 2 महीने में आपके पास 20,000 आ जाने वाले हैं, तो 19,000 यू कैन इजिली टेक गेट बैक, राइट। स्टूडेंट्स जो लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है वो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो रिव्यूज है वहाँ से, राइट। एंड यू कैन कॉल देम एनीवन, यू कैन आस्क देम एनीवन हाउ यू फाइंड द ट्रेनिंग एंड व्हाट आर द वैल्यू एडिशन दे हैव एट द एंड ऑफ द कोर्स, राइट। जो मैंने अंकित पटेल का नाम बताया था वो यहाँ पर है,
राइट, जो अभी जॉब कर रहा है, और एक स्मिथ संघवी करके जो ओनर है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का ओनर है, राइट, जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, करेक्ट। तो दिस थिंग्स आर देयर। नाउ टू थिंग्स आर देयर, मैं आपको अभी, मुझे आपका ऑनेस्ट फीडबैक देना है कि आपको यह डेमो लेक्चर कैसा लगा, नंबर वन। तो आपको क्या करना है, आपका मोबाइल एक बार ओपन करो और यहाँ पर सर्च करो ट्रेनिंग इन एसईओ, जो मैंने आपके लिए टाइम इन्वेस्ट किया है और जो भी वैल्यू एडिशन आप में हुई है, उसका मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा और कैसी चीज आपको नई जानने को मिली। ट्रेनिंग इन एसईओ से सर्च करो आपके मोबाइल में, यू विल फाइंड रिव्यूज ऑप्शन। आपको सबसे पहले मेरा लिस्टिंग दिखेगा ट्रेनिंग इन एसईओ में। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो लेट मी नो, आई विल गाइड हिम।